शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीति आयोग ने 15 साल के लिए बनाए विजन डॉक्यूमेंट 2035 लागू कर स्वस्थ धान्य राशन की दुकान में मांसाहार बिक्री की अनुमति दी गई, जिसके खिलाफ वाड़ी के महानुभाव पंथियों ने संताप व्यक्त किया है। नीति आयोग ने 15 साल के लिए बनाए विजन डॉक्यूमेंट 2035 लागू कर स्वस्थ धान्य राशन की दुकान से मांसाहार बिक्री की अनुमति दी गई, जिसके खिलाफ वाड़ी के महानुभाव पंथियों ने संताप व्यक्त किया है। जिलाधिकारी नागपुर को ज्ञापन सौंप कर राशन की दुकान पर मांसाहार बिक्री को रद्द करने की मांग की गई। मांसाहार को हम नहीं बेचने देंगे, इससे समाज की भावनाएं जुड़ी है। निर्णय रद्द नहीं किया गया तो इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। संपूर्ण देश में महानुभाव पंथीय व इतर पंथीय अनुयायी बड़े मात्रा पर है। समाज में शाकाहारी पदार्थ सेवन करते हैं, लेकिन बड़ा तबका इसके खिलाफ है। अनेक साधु संत अलग अलग पंथ के अनुयायी दुकान में अंडों को रखते हैं, ऐसे दुकानों से सामान खरीदने कतराते हैं। समाज के घटक राशन दुकान से मांसाहार कैसे खरीदेंगे, यह सवाल निर्माण हो रहा है। समाज में टेढ़ निर्माण करने वाले इस निर्णय को रद्द करने की मांग जिलाधिकारी को की गई है। हमने नागपुर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर है उनसे निवेदन दिया है। नीति आयोग ने जो निर्णय लिया है कि विजन डॉक्यूमेंट 2035 राशन दुकानों से मांसाहारी पदार्थ का बिक्री करना, वो निर्णय के हम विरोध में है। हमारे भारत सरकार से, नीति आयोग से निवेदन है कि आपने जो निर्णय लिया उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अपने भारत देश में कई संप्रदाय में मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता, और आपको अगर वो मांसाहार की बिक्री करना है तो वो अलग सिस्टम से आपने करना चाहिए। राशनिंग की जो शॉप है उसमें कोई भी मांसाहारी पदार्थ का बिक्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय के साधु संत हैं और वासनिक लोग हैं, जो भी है वो जहाँ अंडा बिकता है वहाँ पे भी किराना या कुछ लेते नहीं है, तो वो इस हिसाब से जहाँ अंडा पकता है वो होटल में खाना नहीं खाते है। ऐसे कई समाज के अपने संप्रदाय के लोग हैं भारत देश के। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप वो जो निर्णय लिया है उस पर पूर्ण विचार करना चाहिए, और सभी हमने आज नागपुर कलेक्टर को ये निवेदन दिया। मेरा सभी महानुभाव संप्रदाय से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने जिले के कलेक्टर को ऐसा ही निवेदन दिया जाए आपके तरफ से, और बाकी जो संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, बहुत सारे ऐसे शुद्ध शाकाहार वाले संप्रदाय है, उन्होंने भी सभी जिलों के कलेक्टर को ये निवेदन देना चाहिए। इतना मैं बोलता हूँ। नीति आयोगाने घेतलेला हा जो निर्णय है मांसाहार पदार्थ राशनिंग दुकानामधून विक्रीला करण्याबद्दल, ही एक अडचणीची बाब आहे। एक महानुभव संप्रदाय आहे आणि त्या संप्रदायाला शाकाहार म्हणजे असं शाकाहार त्यांना आहार चालतात, आणि महानुभव पंथच संप्रदाय नाही तर आणखीसुद्धा संप्रदाय आहे, त्यांनासुद्धा जैन आहे, आणखी काही आहे।